सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान। भाइयों, आपको पता है कि हर शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होती है, तो आज भी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और उस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं और जो अभी कई हालिया घटनाएं हैं उन हालिया घटनाओं को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उन पर विचार विमर्श करके कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला तो ये लिया है कि जैसे हम देख रहे हैं कि टोहाना में दो दिन पहले जेजेपी के विधायक किसानों के साथ गाली गलौज करते हैं, किसानों को मां बहन की गालियां देते हैं और उसके बाद जो किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद जो सारी घटनाएं सामने आई वो पूरे प्रदेश ने देखा, प्रदेश ने ही नहीं पूरे देश ने देखा। पूरे प्रदेश ये देख रहा है कि कल रात को टोहाना में अलग अलग जगहों पर हरियाणा पुलिस छापेमारी कर रही है और किसानों को परेशान में प्रताड़ित किया जा रहा है और किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज एक और किसान को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पहले दो किसानों को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका था। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि कल सुबह 11 बजे टोहाना सिटी थाने के सामने हजारों किसान चौधरी राकेश टिकैत व सरदार गुरनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में अपनी गिरफ्तारी देंगे। और ये संयुक्त किसान मोर्चा का एक बड़ा फैसला यूं भी है कि मोर्चा ने यह साफ किया कि जो मोर्चा के नेता हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है, पहले किसान जाएंगे, पहले किसान नेता जाएंगे जेल में और उसके बाद कोई किसान जेल में जाएगा। तो किसान नेताओं ने यह जिम्मेदारी ली है और ये भी कहा आज मीटिंग में कि हम देखेंगे कि हरियाणा सरकार की कितनी बड़ी जेल है, उन जेलों की कितनी बड़ी दीवारें हैं, ये हम देखेंगे। और ये सिर्फ एक दिन का कोई कार्यक्रम नहीं है, कल ये गिरफ्तारियां देंगे, उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक हरियाणा सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन अपना तानाशाही रवैया छोड़ के किसानों की बातों को स्वीकार नहीं करता है। साथियों, कल ये शुरुआत हो रही है और हजारों किसान, मैं फिर से बताना चाहता हूं, सुबह 11 बजे टोहाना सिटी थाने के सामने हजारों किसान अपनी गिरफ्तारियां देंगे और वहां पे खुद चौधरी राकेश टिकैत और सरदार गुरनाम सिंह चडूनी और अन्य तमाम बड़े किसान नेता, जोगिंदर नैन और भी बहुत सारे किसान नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। साथियों, एक दूसरा फैसला यह भी लिया गया कि जो अभी कुछ दिन पहले टोहाना में वहां की कमेटी ने, वहां की पंचायत ने जो फैसला लिया था कि भाई हरियाणा सरकार का जो व्यवहार है उसको देखते हुए 7 तारीख को पूरे प्रदेश में सभी थानों के सामने 12 से 4 बजे तक शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा किसानों द्वारा। हम ये बात स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, आज ये बिल्कुल साफ तय किया गया है कि 7 तारीख को थानों के सामने शांतिपूर्वक तरीके से धरना लगाना है, कोई घेराव नहीं करना है, कोई टकराव नहीं करना है, बस शांतिपूर्वक तरीके से वहां पे धरना लगाना है और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना है। उसके बाद जो अन्य आगे कार्यक्रम तय किए गए थे वो कार्यक्रम भी एजिटीज रहेंगे, जैसे टोहाना विधानसभा में सभी गांवों में देवेंद्र बबली की शव यात्रा, उसकी शव यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद फिर उसी के गांवों में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज मीटिंग में ये भी सभी लोगों ने बिल्कुल सहमति से कहा कि जो हमारे किसान भाई, जो हमारे किसान नेता टोहाना में वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, टोटल अब संख्या 3 हो गई है, 2 पहले और आज सुबह 4 बजे एक और किसान भाई को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा जल्द से जल्द उनकी रिहाई की मांग करता है और संयुक्त किसान मोर्चा उनकी रिहाई के लिए उन भाइयों की हर संभव मदद करेगा और हर तरीके से उनके साथ खड़ा है, ये बात भी आज स्पष्ट तौर पर तय की गई है। साथियों, एक अन्य बात हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि मोर्चा इस बात का संज्ञान ले चुका है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी, आरएसएस और जेजेपी द्वारा एक साजिश रची जा रही है और वो साजिश ये है कि हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटा के अन्य जगहों पे केंद्रित किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस चाल को समझ चुके हैं और हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली के मोर्चों को भी अधिक से अधिक मजबूत करेंगे और उसके अलावा जो अन्य जगहों पे हरियाणा में जो प्रशासन किसानों के साथ बदतमीजी कर रहा है,
जो सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, वहां भी हमारे मोर्चा के नेता बड़ी सूझबूझ से प्रशासन की हर चाल को फेल करेंगे, जैसे आज तक हर चाल को फेल करते आए हैं। भाइयों, आपसे भी एक हम निवेदन करना चाहते हैं, आज मीटिंग में भी इस बात पर चर्चा हुई कि हमें बेवजह के किसी भी टकराव से बचना है। जो हमें विरोध प्रदर्शन करना है उसमें काले झंडे दिखा के पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हमने विरोध प्रदर्शन अपना करना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की गाइडलाइंस है विरोध प्रदर्शन के लिए, उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर रहकर हमें विरोध प्रदर्शन करना है। और एक बात और हम खासकर हरियाणा की जनता को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, उनको ये खास संदेश देना चाहते हैं अपने भाइयों को। कल सुबह से बहुत सारे फोन आ रहे थे और वो कुछ बातों पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हरियाणा ही नहीं पूरे देश का किसान नेतृत्व एकजुट है। सीनियर लीडरशिप हो या नौजवानों की लीडरशिप हो, वो सारे के सारे एकजुट हैं, आगे भी एकजुट रहेंगे और आंदोलन निश्चित तौर पे जीतेंगे। पिछले एक दो दिनों में देख रहे हैं कि एक गोदी मीडिया के अखबार और बीजेपी की आईटी सेल आंदोलन के बारे में बहुत दुष्प्रचार कर रही है, कह रही है कि आंदोलन में मतभेद हो गए, आंदोलन में दो फाड़ हो गए। लेकिन हम इनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बीजेपी की आईटी सेल और गोदी मीडिया वालों को, कि आप कितना ही प्रयास कर लो हमें बदनाम करने का, आप कितना ही प्रयास कर लो हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाने का, लेकिन हम इसी तरीके से मजबूती से एकजुट होकर डटे रहेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा की सीनियर और नौजवान लीडरशिप कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पे आंदोलन को जीतेंगे। जय जवान, जय किसान।